अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी या इंग्लिश पढ़ाऊंगी कि केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी कि मैं आज कौन से टॉपिक को लेके आई हूँ। बट आज मैं आपको कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने आई हूँ जो हमारी सोसाइटी में अभी काफ़ी फेमस तरीके से चल रहा है, काफ़ी पॉपुलर है। हम पेरेंट्स आंख बंद करके इन इंस्टीट्यूट्स पे भरोसा किए जा रहे हैं। हम अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों के नाम पे रैंडमली पे किए जा रहे हैं और हम इसके बदले आशा क्या कर रहे हैं कि हमारे बच्चे एक सिक्योर फ्यूचर को पा सकेंगे, वो सिक्योर्ड रहेंगे, उनके फ्यूचर में वो अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे जो हमने फेस किया है। हम उनके लिए सिक्योर डिग्री चाहते हैं और उसमें भी हम उनको काफ़ी सारी हर्डल से बचाना चाहते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आज के अपकमिंग इंस्टीट्यूट्स के, लाइक बायजूस, वेदांतु और अनएकेडमी जैसे बहुत तरह के इंस्टीट्यूट्स अभी हमारी सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं और हम पेरेंट्स इन पे पूरा आप कह सकते हैं विद ब्लाइंड आईज बैठे हुए हैं। बट ये इंस्टीट्यूट्स में अगर आपने अभी तक नहीं डाला है या आप प्लान कर रहे हो इनमें डालने के लिए, तो मैं आज आपको ये मिरर ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, ये रियलिटी पिक्चर ज़रूर दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि आप आगे चलकर इन इंस्टीट्यूट्स पे भरोसा करने से पहले 50,000 बार सोचेंगे क्या हो रहा है एक्चुअल में और ये इंस्टीट्यूट्स कैसे हम पेरेंट्स की माइंडसेट के संग ये खेल रहे हैं। आइए मैं आपको ये पूरी स्टोरी आज खुल करके बताती हूँ। सबसे पहले ये इंस्टीट्यूट्स जैसे कि हमारे जैसे मैंने आपको बताया वेदांतु, बायजूस, अनएकेडमी वगैरह वगैरह जो तरह तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, ये काम कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो मार्केटिंग की है। ये मार्केटिंग में बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि हम उनके संग अपने आप को रिलेट कर सकें। उसके बाद ये दिखाते हैं कि अगर आप अपने बच्चे के लिए सिक्योर फ्यूचर सीख कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे चल के बहुत स्टेबल जिंदगी जी सकें, तो आपको हम जैसे इंस्टीट्यूट से पास ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि हम ही वो रास्ता हैं, हम ही वो वे हैं जिससे आपके बच्चे उस फ्यूचर को पा सकेंगे। तो सबसे पहले ये मार्केटिंग करते हैं बड़े बड़े एम्स के साथ, बड़े बड़े फुलफिलमेंट्स के साथ, प्रोमिसेस के साथ कि हमारे यहाँ IITians हमारे टीचर्स हैं, हमारे यहाँ डॉक्टरेट हमारे टीचर्स हैं और हम बेस्ट टू बेस्ट करिकुलम देते हैं, हम बेस्ट वे में पढ़ाते हैं, हमारा जो MCQ पैटर्न है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि आपके बच्चे को पूरा ट्रेन कर देता है और आपका बच्चा हर अपने, चाहे वो IIT का एग्जाम हो, NET का एग्जाम हो, चाहे जो भी हो, वो उसमें एकदम से फर्स्ट आ जाएगा हमारे पैटर्न से। ये सबसे पहले इन सब चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं, ये आपको एक ऐसा ड्रीम दिखाते हैं जिससे आप अट्रैक्टिव हो। उसके बाद ये आपको कॉल्स करवाते हैं, कॉल्स में ये आपको फ्री के एग्जाम्स देते हैं कि आप अपने बच्चे को इन एग्जाम्स में बैठाइए, हम स्कॉलरशिप देंगे, हम इतना रुपया डिस्काउंट करेंगे। वो जो एग्जाम्स में आप अपने बच्चों को इनरोल कराते हैं जो कि सबसे पहले फ्री का होता है जिसमें स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद होती है बहुत ज़्यादातर, वो वहाँ आपको ये बताते हैं कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इनके आपके बच्चे का जो साइंस कंसेप्ट है वो ठीक नहीं है, ये जो पैटर्न है वो सही नहीं है, आप इसे हमारे यहाँ इनरोल कराइए और हम इनको उस चीज़ों के लिए तैयार करेंगे जो कि हम में से मैक्सिमम पेरेंट्स इस पैटर्न से वाकिफ नहीं होते हैं और जो होते हैं, जो ऑलरेडी डिग्री होल्डर्स हैं, वो जॉब में हैं, उनके पास समय नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ये सेफ हैंड्स हैं और ये इंस्टीट्यूट्स आपके संग तब तक ये प्रोसेस में रहते हैं जब तक कि आप कन्विंस ना हो जाए पैसे देने के लिए। हाँ जी, आपने एकदम सही सुना, आपसे पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये आपके पीछे लगे रहते हैं, आपको कॉल्स आते रहते हैं,
आपको करी स्कॉलरशिप डिस्काउंट्स वगैरह वगैरह दिखाते रहते हैं, और आपको एक अच्छा सा मीठा सा सपना अपने बच्चे के लिए आपके माइंड में तैयार कर देते हैं। और हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम सिंपली इन पे भरोसा करके इनमें अपने इतने सालों की मेहनत की कमाई, हमारे बचत के पैसे, लाख लाख रुपीस हम इनके अकाउंट में डाल देते हैं। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या हमारे बच्चे वो सब चीजें पाते हैं जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की कमाई दी है, इतना समय दिया है? नहीं। आपको सुन के बहुत ही बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए, पर एट द सेम टाइम हम सब जो इन इंस्टीट्यूट से बहकावे में आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनको मैं जरूर अलर्ट करना चाहूंगी, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ केसेस, खासकर इस वेदांतु के केसेस जो मैंने लिंक्डइन में पढ़े हैं। फादर ने क्लास 3 के बच्चे को इनरोल कराया फॉर पंडित स्पीकिंग कोर्स एंड ऑल, लाख रुपया तक उन्होंने जमा किया। अब आप सोचेंगे अब क्या, मैं आपको बताती हूँ, उनके बच्चे तो क्लास 2 के स्टैंडर्ड के बच्चों के संग 1-2 क्लासेस मिली, उन्होंने कंप्लेन किया तो उनको ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद ना उनके पैसे रिफंड हुए, ना उनके बच्चे को क्लासेस मिली। एक और क्लास 11 का स्टूडेंट है, लिंक्डइन पे आपको ये सब केसेस आए दिन मिलेंगे, खासकर वेदांतु के केसेस जो मैंने रिसेंटली, मैं काफी इन्वॉल्व हुई हूँ, बिकॉज मुझे बहुत ही बुरा लगा है कि इतनी बुरी तरह से मार्केटिंग कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप करो बिजनेस, दैट इज नॉट एन इश्यू, बट आप फ्रॉड कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग योर बिजनेस, यू आर डूइंग योर फ्रॉड। क्लास 11 का स्टूडेंट जो कि जेई में उसने एडमिशन लिया था, उसको 65,000 उसे एक्सट्रैक्ट किया गया, उसके बाद उसे ब्लॉक कर दिया गया। एंड दे आर राइटिंग एंड लिंकिंग, यू नो डायरेक्टली दे आर राइटिंग, दे आर पॉइंटिंग आउट वेदांतु, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, वो डायरेक्टली वेदांतु को कह रहे हैं कि हमारे पैसे रिफंड करिए, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स, वो अटेंड नहीं कर रहे हैं कॉल्स को, वो ब्लॉक कर दिए हैं इनको। 3 बार बैंक अकाउंट डिटेल्स देने के बाद भी उनके अमाउंट उनको रिफंड नहीं हो रहे। तो प्लीज पेरेंट्स, मैं सम अप करके यही कहूंगी कि क्वालिटी नीड्स नो मार्केटिंग, एंड रियली दैट इज व्हाट आई मीन टू से, क्वालिटी नीड्स नो मार्केटिंग। यदि एंड दीज इंस्टीट्यूट्स आर नॉट द अल्टीमेट पैटर्न जो आपके बच्चे को सक्सेसफुल बनाएगा, यह आपकी और आपके बच्चे की मेहनत है। आज YouTube जैसे, YouTube में काफी ऐसे चैनल्स हैं, नॉट ओनली मी, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो हर तरह के कोर्सेज के लिए तैयार करता है। गो फॉर लोकल टीचर्स। आप किसी भी पर्सनल ए टीचर को यदि आप दूसरे शहर से भी आप उससे पढ़वाओगे, ट्रस्ट मी, कोई आपके संग चीटिंग नहीं होगी। बट इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इन मार्केटिंग स्किल्स में आप ना फंसे, अपनी मेहनत की कमाई इन्हें ना दे। आई होप मैं जो मैसेज आपको देना चाहती हूँ मैं दे सकी हूँ। आई होप आपने इस बात को समझा हो। और वो पेरेंट्स जो शायद अपनी इतना इतने मेहनत से जो उन्होंने कमाया है, उनका जो एक प्यारा सा सपना है अपने बच्चे के लिए, उसको लेके आप इनके आपके इमोशंस के संगे खेलते हैं, आप उसमें ना फंसे। आई रियली होप ये मेरा वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। आगे इस तरह की कोई भी एक्शन लेने से पहले आप 50,000 बार सोचोगे। एंड आई होप जो लोग ऑलरेडी इसमें फंसे हैं, वेदांतु उनके पैसे को लौटाए, उनके संग जस्टिस करे, अगर क्लासेस ना दे तो एटलीस्ट उनको रिफंड दे। आई रियली वॉन्ट देम टू गेट द अमाउंट बैक। आई होप दिस वीडियो विल बी शेयर्ड, आप इसे शेयर करो, जैसे कि वो लोग जो सफरर हैं वेदांतु से, उनको वेदांतु से पैसे वापस मिल सके। Thank you so much for watching.